महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल जी को आप सभी लोग अपना एक एक वोट लंटेन छाप पर देकर यहां से भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं यही आग्रह करने के लिए रोहतास जिला से चलकर आई हूं, उनको एक बार मौका दीजिए सेवा करने के लिए। बहुत ही तेज तरार उम्मीदवार हैं वो, आप सबके दुख सुख में हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगी कि आप लोग एक बार उनको मौका दीजिए सेवा करने के लिए। साथियों, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। ये लड़ाई अब सबको अधिकार दिलाने की है। भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। एक बात याद रखिएगा, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है संविधान बचाने के लिए, और भाजपा वाले चुनाव लड़ रहे हैं संविधान बदलने के लिए। अब आप सबको तय करना है कि आप सब किसके साथ हैं, संविधान बचाने वाले के साथ हैं कि संविधान बदलने वाले के साथ हैं, किसके साथ हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी झूठ के समुंदर हैं, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं, किसके लिए झूठ बोलते हैं। इनके झूठ बोलने के चलते आज देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है। मोदी जी चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के पूरे सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। ये लड़ाई सच और झूठ की है, ये लड़ाई युवाओं की भविष्य की है, ये लड़ाई महिलाओं की सम्मान की है। और इस लड़ाई में आप सभी को माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। साथियों, तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर ऐतिहासिक काम किए हैं। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। पूरे एनडीए गठबंधन के नेताओं पर एक तेजस्वी यादव जी भारी हैं। आप सभी लोग महागठबंधन की सरकार बनाइए। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, बेरोजगारी महंगाई खत्म की जाएगी। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार फिर आप लोग से आग्रह करूंगी कि आप सभी लोग लंटेन छाप पर बटन दबाइए। पता है ना कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। तो जिताना है आप सभी को। आज चुनाव प्रचार बंद हो रहा है तो आप 25 तारीख को वोटिंग है, तो आप सभी लोग बूथ पे ध्यान रखिएगा, कोई गड़बड़ी ना हो। ये जिम्मेवारी हर एक इंसान को है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अनुरोध करने आई हूँ कि महागठबंधन के प्रत्याशी रिंकू जायसवाल जी की चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर बटन दबाकर विजय बनाए। माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी एवं मुकेश सहनी जी के हाथों को मजबूत करें। इन्हीं अनुरोध के साथ मैं आप अपनी बातों को समाप्त करती हूं। नूरी बेगम, जिला अध्यक्ष सीवर। अब मैं विधायक श्री मुकेश यादव जी आएंगे, ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। मुकेश यादव जी, आज जो चुनाव हो रहा है यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए चुनाव है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अभी जो देश की परिस्थिति है वो किस विकट संकट में चल रहा है।
हमारा संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ संविधान के रक्षक गरीबों के रक्षक गरीबों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहे, नौजवानों को रोजगार के लिए अग्रसर रहे। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं इस भारत बिहार में किसी पार्टी के नेता और किसी राज्य राष्ट्रीय पार्टी के नेता किसी सामान्य सीट से किसी अनुसूचित जाति के नेता को अगर टिकट देने का काम किया है तो नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जो सुपौल सामान्य सीट से एक दलित समाज के नेता को लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया है। यह बिहार ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार किसी सामान्य सीट से किसी अनुसूचित जाति के नेता को टिकट देने का काम किया है, वह आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। यहाँ नहीं, आपके बगल से बैस समाज के बेटा सुनील कुमार पिंटू एमपी हुआ करते थे, इस सिवाय से बैस समाज की बेटी रमा देवी सांसद हुआ करती थी। क्या बात है भाई, आपके शिवहर से रमा देवी को टिकट काटकर किसको टिकट दिया है हम सभी लोग जानते हैं। बगल में सीतामढ़ी से सुनील पिंटू जी को टिकट काटकर किसको टिकट दिया है, यह सब हम सबको समझने की बात है। मैं बतलाना चाहता हूं हमारे नेता ने बिहार में बस समुदाय को तीन टिकट देने का काम किया है, जो आपके यहां से बहन ऋतु जसवाल चुनाव लड़े, झंझारपुर से सुमन महासेठ चुनाव लड़े हैं, आरा से जो कानून समाज के नेता आप चुनाव लड़ते हैं। आपको हमारे नेता ने बस समाज को सम्मान देने का काम किया है। इतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं बिहार में शहीद जगदेव प्रसाद जी के वंशजों को और कुशवाहा समाज को हमारे नेता ने सात टिकट देने का काम किया। उन्होंने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को टिकट दिया, काराकाट से राजा राम कुशवाहा को टिकट देने का काम किया, बगल में राजेश कुशवाहा मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं, संजय कुशवाहा खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मैं बतलाना चाहता हूं भाइयों, यह देश के इतिहास में पहली बार है जो युवाओं को रोजगार देने वाला बिहार ही नहीं देश के नौजवान अगर किसी नेता पर टकटकी के निगाह से देख रहा है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर। उन्होंने वादा किया था जो हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग की सरकार किसी एन के एन प्रकार से नहीं बनी, लेकिन महागठबंधन कुछ दिन में महागठबंधन की सरकार बने तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने वादों को पूरा करने का काम किया। 17 महीने में 5.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। भाइयों इतना ही नहीं, इस बार हमारे नेता के घोषणा पत्र में है, महागठबंधन के घोषणा पत्र में है जो हमारी सरकार बनती है तो देश में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं को जो सिलेंडर गैस सिलेंडर महंगाई से त्रस्त है वो 500 रुपये गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अभी महंगाई चरम पर है, चाहे गैस सिलेंडर हो, मोटरसाइकिल हो, सीमेंट हो, बालू हो, सबकी कीमत या खाने पीने के सामान पर जो आज महंगाई से लोग त्रस्त है उसके बदला लेने का मौका आ चुका है। बहुत सारे लोग बोलने वाले है यहाँ पर हमारे चढ़े हुए अरशद भाई, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक एक मत बहन ऋतु जायसवाल के एक नंबर पर है उनका ललटेन छाप, उस पर आप लोग 25 तारीख को बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। आदाब सलाम प्रणाम, यही बात मैं समाप्त करता हूं। जय तेजस्वी, जय महागठबंधन, जय शिवहर की जनता।